हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद माय अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपने देवता जी के मंदिर, जो कि है भोरसिंह महादेव। क्योंकि काफ़ी टाइम से है ना, हम सभी नहीं गए थे अपने देवता जी के मंदिर, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आज हम जाएं। और आप यूनि के फेस को देख ही सकते हो, ये कितना सीरियस है। और इसका रीज़न ये है कि अभी अभी सोकर उठा है। पापा यूनि और शोहदी ने आज मैचिंग किया है। पापा आप बोलो, कोई आपने तो नहीं सुना अपनी पसंद के सॉन्ग? पापा हाँ। नमकीन मिठाई क्या कहते हैं उसको, नमकीन? कल ध्यान ही नहीं दिया यार, वो अच्छी खाने का मन कर रहा था। बाद क्या बोलते उसे, नमकीन पतीसा ना? नमकीन पतीसा है वो, नारंग में मिलता है। ओह वाओ, फेमस। हाँ ले जाएंगे पापा खुश। पापा ने तो हमें गाना नहीं बताया, तो हमने खुद ही लगा दिया। पापा अक्सर ये मम्मी की फोटोज पे सॉन्ग लगाया करते हैं इसलिए मुझे याद आया, तो मैंने सोचा लगा दूं। जानसी महबूबा में ऐसा मैंने सोचा था। अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर। सब लोग हो गए परेशान देखकर, क्योंकि काफी टाइम पहले हम आए थे इधर, तो उस टाइम ऐसा कुछ भी इधर नहीं था। बहुत सारी न्यू चीजें जो है बन गई है यहाँ पे, है ना यार। पहले ट्रैकिंग करके आते थे शादी मम्मी के साथ। ये सब कुछ भी नहीं था सच में। फिर इसके बाद हमने मंदिर में किए देवता जी के दर्शन। और मैं गाइज आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोस लेना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स आप मंदिर के बाहर तो फ़ोटोज़ ले सकते हो, लेकिन मंदिर के जो अंदर मेन एरिया जो है वहाँ आप फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। यूने के लिए दिखाओ। दर्शन करने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम अपने बचपन की पुरानी यादें फिर से ताज़ा करें। फिर हम चले गए अपने उसी लोकेशन पे बैठने। बट जो बचपन की बात थी, बहुत ही प्यारा हमें लगता था इधर बैठना, क्योंकि उस टाइम बहुत साफ़ सुथरा, साफ़ सफाई बहुत होती थी। और अब जो रीज़न है कि ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है भोरसिंह महादेव, तो जहाँ जितने लोग वहाँ उतनी गंदगी, लोगों ने इतना गंदा हाल कर दिया चारों तरफ। और लेकिन इस मंदिर की, इस लोकेशन की खास बात यह है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कोहरा और धुंधी दिखाई देगी वहाँ पे। और जो मंदिर है वो लिटरली एक चट्टान पे बना है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उसे कैप्चर करूँ, बट साथ में कंस्ट्रक्शन का काम चला था तो वो वीडियो में नहीं कैप्चर हो पाया। सच में सबने लिखे अपने। तो अभी हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे बुआ के घर, क्योंकि बुआ का घर जो है हमारे जैसे साथ में ही है। तो चलो लेट्स गो। तो इसके बाद पापा और यूनि तो लग गए रास्ते में अपनी मौज मस्ती करने। कुछ हुआ हुआ यूने ऊपर के दाने खोल जाऊं रे, इसके नीचे जमीन गिरे। ऐसा क्यों हुआ यूने, हैं क्यों हुआ ऐसा यूने? दूर कर रहा। तो अभी हम आए हैं यहाँ के एक फेमस जो कि है हमारे मामा का। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस ढाबा कौन कौन आए और मेन मैगो करना है। और फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम मासी से भी मिले आते हैं और उनकी बुआ से भी, तो अब हम जा रहे हैं उनके पास। वैसे तो हमने उनको ऊपर बुलाया था, बट वो कह रहे थे कि अभी मैंने नाना जी को खाना देना है,
फिर मैंने नहाना है तो मैं लेट हो सकती हूँ, तब हमने प्लान किया हमने चलो हम सरप्राइज दे देते हैं। और ये आप इससे अच्छा गाइस आप इनके घर ना आए, वैष्णो देवी चले जाए तो आप ज्यादा जल्दी पहुंच जाओगे। इतनी सारी स्टेयर्स, वाओ देखो कितने अच्छे आ गए। अभी तो और बाकी है, ये देखो। हाय बुआ, ये क्यों किया आपने इतना बड़ा सिस्टम बुआ? आप नीचे चले, नीचे ही आओ, हम नीचे नए कमरे में ले जा रहे हैं। बुआ खुश रहो, खुश रहो, पूरी नाइट तू तो इसके बाल काटे ना तेरे को। अच्छा आ जा, अच्छा अच्छा मिला। बुआ से मिलने के बाद हम चले गए उनके डॉगी से मिलने, और इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटू। हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे तो हम जल्दी जल्दी वापस आए बुआ के घर से, और जिस मिठाई के बाद शायदी व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही थी वो फाइनली हमने ले ली। उसके बाद हम आगे घर की तरफ जल्दी जल्दी, क्योंकि घर पे डिम्पी की मम्मी यानी हमारी बुआ और दादी हमारा बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आ क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे। फिर हम घर फाइनली पहुंच गए, और यहीं मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप गाइज आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर।